सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एक ऐसा एप्लीकेशन देने वाला हूँ जिसके मदद से आप लोग सीवी एडिटिंग बहुत इजीली कर सकते हो, वो भी वन क्लिक में। गाइस, यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं वन क्लिक में बैकग्राउंड चेंज वाला सीवी एडिटिंग कर देखा है आप लोगों को। उसके साथ साथ आप लोग बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड के अंदर ब्लर दे सकते हो, हर एक चीज एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर है, आप लोग जाकर बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है आप लोगों को और उसके बाद डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, लेंस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। एंड गाइस, आप लोगों को यहाँ से फोटो को इनपुट कर लेना है, प्लस वाले आइकन पे अंदर टैप करना है और जिस फोटो को सीवी एडिटिंग करना चाहते हो सिंपली उस फोटो को इनपुट कर लीजिए। मैं इस फोटो को इनपुट कर लिया। इनपुट हो जाने के बाद गाइस फोटो ओपन हो जाएगा एंड थोड़ा सा टाइम लेगा नीचे टूल्स ओपन होने में, क्योंकि गाइस पहला बार है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाएगा। आप लोग मैनुअल तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप लोग मैनुअल तरीके से करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो ऑटो वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है आप लोगों को, यानी मैजिक, और ऑटोमेटिक यहाँ पर जो फोटो है रिटचिंग हो जाएगा, थोड़ा सा व्हाइटनेस आ जाएगा फेस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। गाइस, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप लोगों को बैकग्राउंड के अंदर टैप करना है। एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर आप लोगों को टैप करना है। टैप करने के बाद प्लस वाला आइकन के अंदर टैप करना है और जिस बैकग्राउंड को आप लोग लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं सीवी बैकग्राउंड को लगाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो कोई भी बैकग्राउंड कट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वन क्लिक में बैकग्राउंड चेंज हो चुका है फोटो का एंड सीवी टाइप का लग रहा है। अप्लाई कर दीजिए एंड आप लोग देख सकते हो सीवी टाइप का एडिटिंग हो गया, ठीक है। सो ऐसे करके आप लोग बहुत ईजिली सीवी टाइप का एडिटिंग कर सकते हो इस ऐप के मदद से, ठीक है गाइस। और यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस, सिर्फ जो शॉर्ट फोटो होता है उसके अंदर ही ये ट्रिक अप्लाई करना, तभी आपका फोटो अच्छा एडिटिंग होगा। अगर फुल फोटो के अंदर अप्लाई करोगे तो बहुत जगह अच्छे से काट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाइस एक प्रोफेशनल एडिटिंग ऐप नहीं है, यानी मैनुअल तरीके से काट करना पड़ता है अगर आप लोग एक प्रोफेशनल एडिटिंग करना चाहते हो तो, ठीक है। सो ये ट्रिक भी अच्छा है गाइस, अगर आप लोग न्यू एडिटर हो तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो इस फोटो को मैं शेयर कर लूँगा, आप मैं आप लोगों को बताऊँगा आप लोग कैसे लाइटरूम के जैसा बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो इस एप्लीकेशन के मदद से, ठीक है। मैं फोटो को कर लेता हूँ चेंज एंड उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगा। सो फोटो को मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है गाइस। सो बैक आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस, जैसे कि मैं इस फोटो को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा फिर से। गाइस, आप लोगों को यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के अंदर आप लोगों को टैप कर लेना है और टैप करने के बाद सबसे पहले तो मैजिक वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर दीजिए और आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो गया, ब्लर भी कर दिया। आप लोग ब्लर भी दे सकते हो, आप लोग देख सकते हो कितने ब्लर अच्छा लग रहा है। सो गाइस, मैं ब्लर नहीं दूंगा इस फोटो के अंदर, मैं सिर्फ रिटचिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस हो गया एंड गाइस आप लोगों को एडजस्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन। सो इसके अंदर आप लोग कलर रिटचिंग कर सकते हो जैसे कि लाइट मैप के अंदर करते हो, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि मैं ग्रीन कलर का कलर चेंज करूंगा एंड सिचुएशन ज़्यादा करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने मस्त तरीके से रिटचिंग हो रहा है। और यहाँ पर जो येलो कलर है इसका भी सिचुएशन को मैं हाई करता हूँ और ऑरेंज कलर का भी यहाँ पर ब्राइटनेस को हाई करूंगा तो फेस वगैरह व्हाइट एंड ज़्यादा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, ब्राइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। एंड आप लोग देख सकते हो बहुत ही ईजिली मैं यहाँ पर कलर रिडक्शन कर लिया आप लोगों के सामने। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको आप लोग बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो एंड इस ऐप के बारे में और कुछ जानना है एंड और भी एडवांस चीज़ें जानना है तो पार्ट टू के लिए इंतजार करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, तभी मैं पार्ट टू लाऊंगा। एंड यहाँ पर लास्ट में फ़िल्टर वगैरह है, आप लोग फ़िल्टर वगैरह भी वन क्लिक में एडिटिंग कर सकते हो, जैसे कि मस्त मस्त फ़िल्टर है, आप लोग देख सकते हो गाइस कितने अच्छे तरीके से फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है फोटो, एक बार में प्रोफेशनल तरीके से फोटो रिटचिंग हो रहा है, आप लोग देख सकते हो जैसे कि बड़े बड़े एडिटर करते हैं, ठीक है। सो एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है गाइस, जरूर यूज़ करना एंड क्वालिटी तो बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है इस एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस, मैं इस फोटो को सेव कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर बताऊँगा आप लोग कैसे इस ऐप को और भी बहुत सारे टूल्स है उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, लाइक करो, शेयर करो और वायरल कर दो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।